हे गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियांग मिस शियाओ को लेकर के मेडिटेशन रूम में छोड़ देता, जिसकी वजह से मिस शियाओ मेडिटेशन रूम में अपने फादर की रिफ्लेक्शन देख करके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं और वहां पे मिस शियाओ को बचाने के लिए जियांग उस रूम में चला जाता है, जिसकी वजह से मिस शियाओ जियांग को उसके फादर समझ करके अटैक करने लगती हैं। और तभी जियांग अपने सिस्टम से कहता है कि भाई कुछ भी करके मुझे यहाँ से निकाल, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने तुझसे बदतमीजी की। तभी उसका सिस्टम उस मेडिटेशन रूम का दरवाज़ा खोल देता है और जियांग उस रूम से बाहर आ जाता है, मगर मिस शियाओ अभी भी उसके ऊपर अटैक कर रही होती है। और जैसे अटैक करने वाली रहती है तभी जियांग का सिस्टम अपीयर होता है और तुरंत एक टेक्निक देता है, जिस टेक्निक को परफॉर्म करके जियांग तुरंत शियाओ के ऊपर लगे हुए उस कर्ज को हटा देता है। और तभी मिस शियाओ नीचे उतर जाती है और तभी जियांग कहता है कि मैंने अपनी पावर से तुम्हारे इस कर्ज को हटा दिया है, जिसकी वजह से मिस शियाओ ये सुन करके काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। और तभी जियांग और भी लंबी लंबी फेंकने लगता है, ये बात सुन करके मिस शियाओ तुरंत उसे ग्रीट करके और उसे अपना मास्टर स्वीकार कर लेती हैं। और तभी जियांग का सिस्टम फिर से अपीयर होता है और कहता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, ये तुम्हारा नया डिसाइबल, सीधे 80% लॉयलिटी पॉइंट से तुम्हारा नया डिसाइबल बन चुका है। तभी मिस शियाओ बोलती है कि मास्टर मैं तो मेडिटेशन रूम के अंदर थी, आखिर मैं बाहर कैसे आई। तभी जियांग बोलता है कि तुम उस मेडिटेशन रूम में आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी और तुम्हें बचाने के लिए मुझे उस मेडिटेशन रूम में अंदर आना पड़ा और तुम्हें बाहर निकालना पड़ा, क्योंकि कोई भी मास्टर नहीं चाहेगा कि उसका डिसाइबल किसी भी खतरे में पड़े। ये सुनकर के मिस शियाओ और भी ज़्यादा खुश हो जाती हैं और उनका लॉयलिटी पॉइंट और भी ज़्यादा अपग्रेड होने लगता है। और जियांग के सामने वो ग्रीट करके कहती हैं कि मास्टर, आज के बाद से आप जो भी मुझे कहेंगे मैं वो सब कुछ करूँगी बिना आपसे क्वेश्चन पूछे हुए। और तभी फिर वो वहाँ से चली जाती हैं और फिर जियांग का सिस्टम अपीयर होता है और कहता है कि वाह, मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने ये टास्क कंप्लीट कर लिया। तभी जियांग कहता है जल्दी से मुझे वो सूत्रा पवेलियन दो। और इस बात को सुनकर के जियांग का सिस्टम कहता है पहले नज़रें उठा करके अपने सामने तो देखो, वो पहले ही मैंने तुम्हारे पवेलियन में इंस्टॉल कर दिया, मगर ये पवेलियन तुम्हें अगले दिन सुबह में देखने को मिलेगा। और यहीं पर सीन शिफ्ट होता है और सुबह हो जाती है और जियांग उठ करके अपने सिस्टम को फिर से बुलाता है और कहता है जल्द से जल्द मेरे उस सूत्रा पवेलियन को मेरे सामने प्रकट करो। ये सुनकर के सिस्टम कहता है कदे कहेंगे, पहले अपनी आँख तो उठा के देखो। जियांग कहता है कि कहाँ, मुझे तो कहीं दिख भी नहीं रहा है। तभी उसका सिस्टम कहता है ध्यान से देखो, वो तुम्हारे ठीक सामने ही है। और तभी जियांग अपने सामने देखता है, उसके सामने एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी होती है। तभी जियांग कहता है ये छोटी सी झोपड़ी जहाँ पे मैं खड़े होकर के भी सही से नहीं जा सकता हूँ। तभी उसका सिस्टम कहता है कि दूर से मत देखो, अंदर जाके देखो कि आखिर उसके अंदर क्या है। तभी जियांग बना करके उस सूत्र पवेलियन के अंदर जाता है और अपनी गर्दन झुका के कहता है इस खटिया सिस्टम को तो मैं उड़ा दूंगा। और तभी जैसे वो अंदर घुसता है देखता है कि वो बहुत ही आलीशान से लाइब्रेरी में आ चुका है। जियांग का सिस्टम कहता है गधे, ये लाइब्रेरी नहीं है, ये कल्टीवेशन की बुक की लाइब्रेरी और यहाँ पे तुम्हें लाखों कल्टीवेशन की बुक्स मिलेंगी। ये सुन करके जियांग तो एकदम होश खो देता है अपना और कहता है कि फाइनली मैं अब और भी ज़्यादा पावरफुल बन के दिखाऊंगा, कैसे भी करके मैं कल्टीवेशन सीख जाऊंगा और यहाँ पे तो लाखों बुक है, कोई ना कोई बुक तो मुझे समझ में आ ही जाएगी। तभी जियांग अपने पास से कुछ बुक्स उठाता है और देखता है खोल करके कि शायद उसमें कुछ लिखा होगा और देखता है कि वो बुक पूरी तरीके से खाली होती है और वो ज़मीन पे पटक के कहता है ये घटिया बुक और ये घटिया सिस्टम। तभी एक और बुक को उठाता है, वो भी पूरी तरीके से खाली होती है और फिर जियांग उसे पटक करके ज़मीन पे अपने पैर से कचल के कहता है ये सिस्टम और ये उसका पवेलियन दोनों घटिया, आखिर यहाँ पे मेरे लिए कुछ क्या होगा और ये सिस्टम मुझे बार बार बेवकूफ़ी बनाने लगता है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि मैं थोड़ा सा बेवकूफ़ था मगर इसने तो मुझे सबसे बड़ा बेवकूफ़ बना के रख दिया है और मेरे डिसाइबल तो मुझसे भी बड़े जो कि मुझ पर बिलीव कर रहे हैं। तभी उसका सिस्टम फिर से अपीयर होता है और कहता है अगर तुम एक टास्क करोगे तो ये बुक के अंदर जितने भी वर्ड्स लिखे होंगे वो आ जाएंगे। तभी जियांग कहता है अगर छोटा सा टास्क है तो मैं जरूर करूंगा। तभी उसका सिस्टम एक बम फोड़ता है, वो होता है कि तुम्हें जल्द से जल्द जाकर के गोस्ट सेक्ट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना होगा। ये सुनकर के जियांग के तोते उड़ जाते हैं और वो कहता है कि तुम मुझे जान से मरवाना चाहते हो, आखिर तुम चाहते क्या हो। तभी जियांग का सिस्टम कहता है अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो तुम्हें सजा में उस मेडिटेशन रूम में 3 दिन के लिए लॉक कर दिया जाएगा और तुम जानते हो तुम्हारे डिसाइबल तुम्हें 3 दिन तक कूटेंगे और जब तुम 3 दिन तक कूटोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। तभी जियांग कहता है कि तुम पागल हो गए हो, मैं कभी ज़िंदगी में गोस्ट सेक्ट में नहीं जाऊंगा, वो मुझे जान से मार देंगे, एक तो मेरे पास कोई भी कल्टिवेशन की पावर नहीं है और तुम चाहते हो कि मैं गोस्ट सेक्ट को जा करके तबाह करूं, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। तभी उसका सिस्टम फिर से कहता है कि अगर तुमने ये टास्क नहीं किया तो भूल जाओ कि तुम्हें यहाँ पे कोई भी टेक्निक देखने को मिलेगी
और सीखने को मिलेगी। जियांग कहता है कि तुम भाड़ में जाओ, मैं तुम्हारा कोई टास्क नहीं करने वाला हूँ। और तभी यहाँ पे उसका सिस्टम कुछ यहाँ पे कह ही पाता, जियांग वहाँ से जाने लगता है। और जियांग जैसे ही उस पवेलियन की फर्स्ट फ्लोर की लिंग के पास जा करके देखता है कि उसके डिसाइबल ऑलरेडी अंदर आ चुके हैं। फिर से वो भाग करके आता है और कहता है कि तुम मेरा पोपट क्यों बनाना चाहते हो, एक तो इस लाइब्रेरी की बुक्स में कुछ भी नहीं लिखा है। तभी उसका सिस्टम कहता है टास्क करो और फिर तुम्हें उस बुक के अंदर सारे के सारे वर्ड्स विजिबल हो जाएंगे। तभी हम देखते हैं कि जियांग के सारे डिसाइबल उस बुक को खोल खोल करके देखते हैं और कहते हैं कि यार यहाँ पे तो कुछ भी नहीं लिखा है। मगर फिर हमारा हेतिन आता है और कहता है कि शायद हमारे मास्टर ने इस बुक्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया होगा, क्योंकि वो चाहते होंगे कि कोई भी बंदा अपने लेवल से ऊपर की बुक को ना पढ़ ले। अगर कोई भी अपने लेवल से ऊपर की बुक पढ़ेगा और उसे कल्टिवेट करने की कोशिश करेगा तो हो सकता है कि उस डिसाइबल को इंजरी हो सकती है, शायद इसी वजह से मास्टर ने ऐसा कुछ किया होगा। तभी सारे के सारे डिसाइबल ऊपर देखते हैं और उसका मास्टर एकदम ऊपर खड़ा होता है। और उसका मास्टर तभी जियांग कहता है कि तुमने सही बोला हेतिन। जैसा कि हम जानते हैं जियांग का हमेशा यही जवाब होता है, क्योंकि हेतिन ही ऐसा है कि जियांग को यहाँ पे बचा लेता है। तभी जियांग कहता है कि तुम लोगों को आखिर कैसी बुक्स चाहिए। तभी उसके सारे डिसाइबल अपनी अपनी विश बताने लगते हैं और सबके सब एक एक करके बोलते हैं कि हमें एक हाई लेवल की बुक चाहिए। और वो सुन करके जियांग हैरान हो जाता है, कहता है कि इनको हाई लेवल की बुक चाहिए और ये लोग नहीं जानते इन सारी बुक्स के अंदर लिखे हुए वर्ड्स को मुझे किस कीमत पे लाने होंगे। और तभी हम देखते हैं जियांग उस पवेलियन से बाहर आ जाता है और सोचता है कि मुझे कैसे भी करके जाके मेडिटेशन रूम में जा करके पिटाई खा लेना चाहिए, क्योंकि वही ज्यादा सही रहेगा। और तभी शेन आकर के कहता है मास्टर मैं आपको बताना भूल गया, क्योंकि सारे डिसेबल अंदर मेडिटेशन रूम में जा करके कल्टिवेट कर रहे हैं। यह सुनकर के जियांग कहता है अब तो मैं वहाँ पे भी नहीं जा सकता हूँ, और एक तो मेरे सारे के सारे डिसाइबल कल्टिवेट करके दिन प्रतिदिन और भी ज़्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं, और जब मैं मेडिटेशन रूम में जाऊँगा तो मेरे सामने मेरे डिसाइबल ही होंगे, और जैसा कि वो लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं मुझे और भी बुरी तरीके से धोएंगे और मेरी पिटाई इतनी ज़्यादा करेंगे कि मैं उठ बैठ भी नहीं पाऊंगा। तभी उसका सिस्टम फिर से अपीयर होता है और कहता है कि अगर तुम जितना भी लेट करोगे तुम्हारी सज़ा बढ़ती जाएगी। तभी जियांग कहता है बकवास सिस्टम तुम आकर मुझसे चाहते क्या हो। तभी उसका सिस्टम कहता है अब तुम्हारी सजा 4 दिन की हो चुकी है, तुम जैसे जैसे लेट करोगे तुम्हारी सजा बढ़ती जाएगी। और यहाँ पे उसका सिस्टम हंस रहा होता है और यहाँ पे जियांग तो एकदम हैरान हो जाता है। और तभी जियांग बहुत हिम्मत करके सोचता है कि मुझे कैसे भी करके इस मेडिटेशन रूम में जाकर के सिर्फ पिटाई तो खानी है और तो कुछ करना नहीं है। तभी जियांग गलती से बोल देता है क्यों ना मैं अपने डिसाइबल से हेल्प मांगू और अपने साथ इस टास्क में शामिल कर लूं। तभी ये बात सुनकर के सारे डिसाइबल भी एग्री हो जाते हैं, क्योंकि हेतिन ने उन सारे डिसाइबल को जियांग के पीछे लाके खड़ा किया होता है। तभी जियांग कहता है ये गधा कहीं कि मुझे पक्का मरवा के रहेगा। तभी सारे डिसाइबल एग्री हो जाते हैं और कहते हैं कि मास्टर हम आपके साथ चलेंगे, आप जो भी टास्क हमसे करवाना चाहते हैं वो सारा टास्क आपके लिए जरूर करेंगे। ये बात सुन करके जियांग एकदम खुश हो जाता है, मगर अपने मन में कहता है कि मैं अपने चलते अपने डिसेबल की जान को खतरे में नहीं डाल सकता हूँ, मैं इतना सेल्फिश मास्टर तो नहीं बन सकता हूँ। और तभी जियांग वहाँ खड़े होकर के एकदम गुमसुम होकर के सोचता है कि अगर मैं इस मेडिटेशन रूम में गया तो पक्का मेरे डिसेबल मुझे कूट कूट करके मेरा भरता बना देंगे। मगर कहता है मुझे अपने डिसेबल को बचाने के लिए इस मेडिटेशन रूम में जाना ही होगा, और बेचारा उस मेडिटेशन रूम में चला जाता है। और तभी देखता है कि उसके सारे डिसेबल एक साथ मिल करके इसके ऊपर अटैक करने आ रहे होते हैं, और तभी वो दुम दबा के वापस भागा और कहता है क्या ये लोग एक साथ मेरे ऊपर अटैक करने वाले हैं, मुझे 4 दिन तक सरवाइव करना है, आखिर मैं क्या ही करूं, अगर ये एक साथ करेंगे तो मैं 2 दिन क्या 1 घंटे भी सरवाइव नहीं कर पाऊंगा, और ये मुझे कूट कूट करके मेरी चटनी बना देंगे। तभी जियांग कहता है कि अब मुझे कैसे भी करके अपने गोस्ट सेक्ट में जा करके अटैक करना ही होगा, मेरे पास तो अब कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है। और तभी जियांग ये सारी चीजें सोच ही रहा था, तभी वो वहां पे हम देखते हैं कि जियांग के सारे डिसाइबल उसकी ओर ही आ रहे थे और साथ में हेतिन उनका सबसे बड़ा लीडर भी रहता है। तभी हेतिन कहता है मास्टर आप क्या सोच रहे हैं, आप हमें जो भी टास्क देंगे हम वो टास्क जरूर करेंगे। तभी जियांग उन लोगों के सामने बोल देता है कि तुम्हारा टास्क यही है कि तुम्हें गोस्ट सेक्ट को तबाह करना होगा। ये सुनकर के सारे डिसेबल के होश उड़ जाते हैं, मगर वो लोग कहते हैं कि मास्टर हम इस टास्क में आपका साथ देंगे, मगर हम वहाँ पे आपकी फाइट देखना चाहते हैं और हम वहाँ पे फाइट नहीं करेंगे। ये सुनकर के जियांग तो एकदम हैरान हो जाता और सोचता है मैं यहाँ तो सोच रहा था कि इन लोग से लड़वाऊंगा और ये लोग चाहते कि मैं वहाँ पे फाइट करूँ, आखिर ये लोग मुझे जान से मारना चाहते हैं। तभी शियाओ बोलती है मास्टर हम भी आपका साथ पूरा देंगे। तभी जियांग कहता है कि देखो तुम लोग जानते हो कि गोस्ट सेक्ट ने ना जाने कितने मासूमों को जान से मारा है, हमें उन मासूमों के लिए उस गोस्ट सेक्ट को अब यहाँ से ख़त्म ही करना होगा, क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया
तो हमारे लिए बहुत शर्मिंदगी की बात होगी, क्योंकि हर एक इमॉर्टल और हर एक कल्टीवेटर का फर्ज है कि वो अपने से कमजोरों की रक्षा करे और बुराई का खात्मा करे। और यहाँ पे जियांग बहुत लंबी चौड़ी स्पीच देता है, जिसकी वजह से उसके डिसाइबल एकदम मोटिवेट हो जाते हैं और कहते हैं, मास्टर हम आपके लिए उस घोस्ट सेक्ट को खत्म कर देंगे। मगर जियांग कहता है कि तो देर किस बात की है, तो यहाँ से चलते हैं। और जियांग अपने सारे डिसाइबल से कहता है कि शाओ की शिप अब तक कितनी तैयार हो चुकी है। तभी यतिन कहता है, मास्टर हमने उस पर पूरा काम कर लिया और शियाओ की शिप पूरी तरीके से मेंटेन हो चुकी है, हम उससे जा सकते हैं। मगर यतिन फिर से कहता है, मास्टर क्यों नहीं आप हमें टेलीपोर्ट करके वहां लेके जा सकते हैं। फिर जियांग इस बात को कवर अप करने के लिए कहता है कि मैं टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल कर सकता हूँ, मगर मैं चाहता हूँ कि उस शिप के ऊपर मैं जा करके यहाँ का व्यू देखूँ, आखिर आसमान से कैसा लगता है। ये सुनकर के यतिन कहता है कि मास्टर हमारे कितने ज्यादा ग्रेट हैं, वो हमेशा इतनी सारी पावर रखने के बावजूद वो आम इंसानों की तरह बिहेव करते हैं। और यहीं पे सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है घोस्ट सेक्ट का सीन, जहाँ पे घोस्ट सेक्ट का मास्टर अपने सारे के सारे सेक्ट एल्डर को जान से मार रहा होता है, क्योंकि कोई भी सेक्ट एल्डर घोस्ट सेक्ट के मास्टर के लिए कोई भी स्पिरिट को नहीं ला पाया है, जिस स्पिरिट को घोस्ट सेक्ट का मास्टर कंज्यूम करके ब्रेक थ्रू कर पाए। और तभी घोस्ट सेक्ट का मास्टर एक एल्डर को वहां छोड़ देता है जो कि लैला के ऊपर अटैक कर रहा था, और उससे कहता है कि जा करके मेरे लिए एक ऐसी स्पिरिट लेकर के आओ जो कि प्योर हो और उस स्पिरिट के पास तमाम पावर हो। और यहीं पे सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं जियांग अपने सारे डिसाइबल के साथ शिप पे सवार होकर के एक विलेज से गुजर रहा होता है, जिस विलेज का सीन बहुत खूबसूरत होता है। तभी जियांग बहुत गौर से नीचे देखता है, वहाँ पे पूरे गांव में लाशें बिखरी होती हैं। और जैसा कि हम जानते हैं, घोस्ट सेक्ट ने अपने मास्टर के लिए स्पिरिट ढूंढने के लिए इन सारे गाँव वालों को जान से मार दिया था। तभी वहाँ पे हम देखते हैं एक बंदा एक बच्ची को लेकर के आता है, और यहाँ पे हम देखते हैं लैला इस सब चीज़ों को देख करके एकदम गुस्सा जाती है और कहती है कि मास्टर हम इस घोस्ट सेक्ट को पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे। तभी जियांग कहता है कि देखो मैं जानता हूँ कि तुम लोग पावरफुल हो, मगर इस चीज़ का ध्यान रखना, जब तुम फाइट करना तो डिफेंड भी करना, मगर सबसे बड़ी बात अगर तुम लोग को फील हो ज़रा सा भी कि तुम लोगों की जान पे खतरा है, तो मैं चाहूँगा कि तुम लोग वहाँ से तुरंत भाग जाना ना किसी का इंतज़ार किए हुए। ये बात कह करके जियांग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, जिसकी वजह से उसके डिसाइबल भी अपने मास्टर के सामने ग्रीट करके कहते हैं, मास्टर हम आपका सर शर्म से नहीं झुकने देंगे। मगर जियांग कहता है कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तुम हो, ना कि ये टास्क, मगर मैं चाहता हूँ कि तुम लोग अपनी प्रोटेक्शन करना और किसी को भी कोई भी तरीके का हार्म ना हो, क्योंकि एक मास्टर के लिए सबसे बड़ी दुखदायक बात होती है कि उनके डिसाइबल को चोट लगी हो या इंजरी हो, क्योंकि तुम सब मेरे बच्चों जैसे हो। ये बोल करके जियांग वहाँ पे घूमने लगता है, और ये सारी बात सुन करके वो सारे के सारे इमोशनल होकर के जियांग को ग्रीट करते हैं। तभी हेतिन कहता है कि हमारे मास्टर कितने ज़्यादा अच्छे हैं। और यहीं सीन शिफ्ट होता है, हमें उसी बच्ची का सीन दिखाया जाता है जो कि घोस्ट सेक्ट ने उस बच्ची को पकड़ करके लेके आते हैं। और तभी घोस्ट सेक्ट का एक एल्डर बोलता है कि तुम इन कैसे घटिया लोगों को लेकर के आए हो, जिनके पास प्योर सेंस भी नहीं है, और तुम चाहते हो कि हम इन लोगों को अपने मास्टर के सामने ले जा करके अपनी ही गर्दन कटवा लें। तभी उसमें से उस गांव का एल्डर बोलता है कि जो हमारे पास थे हम सब लेकर के आ गए, प्लीज़ हमारे बाकी लोगों को छोड़ दें। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तो चैनल पे अगर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अब मिलते हैं कल, थैंक यू, बाय बाय, टेक।